आज मैं फेमस यूट्यूबर जैसे कि कविता किचन, निशा मधुलकर और मसाला किचन के जैसा आलू और मटर की सब्जी बनाएंगे और इसमें जो वो टिप्स बताए हैं इस वीडियो में हम वो सब टिप्स आपको बताएंगे। सकते हैं तो चलिए बनाते हैं। तो ये हम देखिए 5 आलू लिए हैं जिसे छील लिए हैं, बॉयल किया हुआ है, और ये हम 250 ग्राम मटर लिए हैं, और ये अदरक है 1 इंच, लहसुन, और ये लहसुन का पत्ता है फ्रेंड्स, और उसके बाद हरी मिर्च 3, और एक मीडियम साइज का प्याज जिसे हम बारीक काट लिए हैं, और ये धनिया का पत्ता है। तो देखिए ये टमाटर है फ्रेंड्स, तो एक बड़ा साइज का हम टमाटर लिए हैं। तो कढ़ाई एक रखेंगे गैस पर, और उसमें हम सरसों का तेल, आज हम सरसों के तेल में बनाएंगे फ्रेंड्स। तो सरसों का तेल में सब्जी बनाने से बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो देखिए ये सरसों का तेल है और एक बड़ी चम्मच है। तो निशा मधुलकर जी कहती हैं कि सरसों का तेल में सब्जी बनाने से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो एक चम्मच हम जीरा और एक तेज़पत्ता और थोड़ा सा मेथी डाल दिए, और लहसुन भी डाल दिए, और हरी मिर्च, अदरक और प्याज को भी हम अब डाल देंगे, और इसे मीडियम आंच में हल्का भुनेंगे। तो मीडियम आंच में हल्का हम इसे भून लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें हम 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची भी डाल देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ये हल्का मेरा कलर चेंज हो गया है प्याज का। तो इसमें अब हम आलू को डाल देंगे, और आलू को भी हम मीडियम में अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट आलू भून लिए, उसके बाद हम नमक डाल देंगे, और नमक को अच्छी तरह से हम भुनेंगे, और उसके बाद हम 1 साबुत इसमें सूखा मिर्च डाल दिए, और ये जो लहसुन का पत्ता था हरा वाला लहसुन का उसको भी हम डाल दिए, और इसे अच्छी तरह से हम आलू को भी भुनेंगे, मटर भी डाल देते हैं। तो मटर को भी हम आलू के साथ 2 मिनट भून लेंगे, और उसके बाद हम हल्दी डालेंगे। तो फ्रेंड्स कविता किचन जी बोलती हैं कि कभी भी सूखा मसाला डालिए, तो आप फ्लेम को बिल्कुल कम करके डालिए, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा। तो ये कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला और हल्दी 1-1 चम्मच डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डालेंगे, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो एकदम थोड़ा थोड़ा मसाला डालना है फ्रेंड्स, और उसके बाद पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसे ढककर मसाले को पकाएंगे। तो ग्रेवी आप जितना चाहिए उतना डालिए। अब इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट इसे मसाला को पकाएंगे। तो फ्रेंड्स मीडियम आंच में सब्जी बनाने से जलता नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो कभी भी सब्जी बनाइए तो आप इसे ध्यान देते हुए बराबर चलाते हुए बनाइए, तो सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छी बनती है। तो मसाला किचन बोलती हैं फ्रेंड्स कि सब्जी को मीडियम आंच में भूनने से और एकदम अच्छी तरह से भूनने से ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो आज उन्हीं के तरह हम ये सब्जी बना रहे हैं। तो हम कविता किचन और निशा मधुलकर जी का वीडियो देखकर ये हम रेसिपी बना रहे हैं। तो उनका एक एक ट्रिक बहुत ही उपयोगी होता है, तो आप उनकी ट्रिक से ये सब्जी बनाए हैं उस तरह से आप बनाइए। और 1 चम्मच इसमें शुद्ध घी डालेंगे। तो कविता जी कहती हैं कि कोई भी सब्जी में 1 चम्मच शुद्ध घी डालने से सब्जी का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो इसलिए हम इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे फ्रेंड्स। और सब्जी के कलर देखकर ही आप बता सकते हैं कि सब्जी कितनी लाजवाब बना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें धनिया का पत्ता भी डाल देंगे ढेर सारा, और सब्जी एकदम बनकर रेडी है। तो अब इसे हम ढककर गैस को बंद कर देंगे। तो कविता जी कहती हैं कि सब्जी को थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के बाद सब्जी का रंग बहुत ही अच्छी आती है, तो हम लोग भी इसे छोड़ देंगे 10 मिनट, और उसके बाद हम इसे ढक्कन हटाकर देखेंगे
तो सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए सब्जी ठंडा होने के बाद ही सब्जी कितनी लाजवाब दिखने में लग रही है। तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब इसे हम गर्मा गर्म प्लेट में निकाल कर और इसे रोटी चावल किसी के साथ सर्व कीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार इस तरह बनाइए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।